हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसे ही मेरा ध्यान जाता है ना ड्रोन की तरफ, तो मुझे लगता है कि यार ड्रोन इतनी हाइट पे उड़ता है और क्या ही, मतलब काश हम उड़ पाते भाई इतनी हाइट पे, तो क्या ही नज़ारे होते, क्या व्यू आता। तो आज इसलिए भाई मैं जा रहा हूँ एक जगह जहाँ हॉट एयर बैलून उड़ता है और आपको जाके दिखाता हूँ, और उसकी वीडियो देखना भाई, पूरी मज़ा आने वाला है। तो अभी फटाफट यहाँ से निकलता हूँ और देखते भाई कितनी हाइट पे जाएंगे, शायद अगर वहाँ उड़ रहा होगा तो। बाकी अभी वहाँ के लिए निकल रहा हूँ मैं, वहाँ पहुँच के ड्रोन शॉट भी लेंगे और बाकी अपने भाई कैमरे से भी शूट करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, और लोकेशन भी बताऊँगा भाई, जगह भी बताऊँगा। तो अभी फटाफट मैं निकलता हूँ क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है और सनसेट से पहले हमें पहुँचना है, तो फटाफट चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अपनी लोकेशन पड़ती है गुड़गांव में, और भाई मतलब प्रॉपर इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कि किस नाम से है, कौन सी जगह है। बाकी आप आके यहाँ भाई जो फन होने वाला है वो नेक्स्ट लेवल है। इस जगह का रास्ता जाता है बैरमपुर गांव से होते हुए, गांव में एंटर करने के बाद, और भाई गांव को क्रॉस करने के बाद ना थोड़ी आगे से राइट लेना है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। गाँव क्रॉस करने के बाद ये प्राचीन खोली धाम का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हमें होना है राइट, और राइट होके बिल्कुल स्ट्रेट सामने भाई राइट साइड में वहीं कैफे बना हुआ है और वहीं अपनी ये बैलून राइड होती है। तो अभी वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ आपको। भाई ये है अपनी लोकेशन, और भाई क्रिकेट ग्राउंड बने हुए हैं, और उस तरफ भाई देखोगे ना आप सारी एक्टिविटीज़ की चीज़ें हैं, कैमल राइड भी है, बहुत सारी चीज़ें। अभी वहाँ पास में जाके आपको दिखाता हूँ। तो भाई बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं बैलून राइड लेने के लिए, देखो भाई बहुत बच्चे हैं। तो अभी एक बार गाड़ी निकाल लेते हैं यहाँ से फटाफट, और भाई इतना तगड़ा सनसेट का सीन हो रहा है ना, ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चे ये सब घूमने आए हुए हैं यहाँ। शायद अच्छे से आपको दिखाई ना दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि भाई सामने से सनलाइट है, और ये देखो अपने को जाना है भाई यहाँ। तो गाइस जस्ट पीछे माउंटेन है, और माउंटेन के सामने बहुत सारी ये हट बनाई हुई है झोपड़ी टाइप, और ये भाई हॉट एयर बैलून जिसमें हम राइड के लिए जाने वाले हैं। पीछे वहाँ ऊपर अगर आप देख पा रहे हो, वहाँ से गिर रहा है एक फाउंटेन, वहाँ भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और इस तरफ भाई क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ ये कैरावैन लगी हुई है काफ़ी सारी, तीन कैरावैन, अपनी गाड़ी भाई हमने यहाँ खड़ी कर दी। ईटीवी है बच्चों के लिए, और ऊपर बना हुआ है कैफ़े, तो कैफ़े में चलते हैं और वहाँ का दिखाते हैं। ईटीवी राइड भी है यहाँ, ईटीवी राइड पे अगर आप जाना चाहो पीछे पहाड़ में जा सकते हो, एयर बैलून तोड़ेगा थोड़ी देर में, बाकी ईटीवी वगैरह चला सकते हो। और इस तरफ बना हुआ है भाई कैफ़े, कैफे काइट, ये देखो भाई किसी ने बर्थडे के लिए बुक किया हुआ है, और ये एंट्रेंस है भाई इस तरफ से। पीछे चलता हूँ भाई, जिस वजह से वापस मैं वहाँ से इतनी दूर से वापस आया हूँ ना, सिर्फ इस चीज़ के लिए, ये फाउंटेन दिखाना है भाई आपको। तो ऐसा नहीं है गाइस नेचुरल फाउंटेन नहीं है, बट फाउंटेन बनाया हुआ है बहुत अच्छा। और अभी मेरी भाई से बात हो रही थी, तो ये जितनी भी जगह है ना इसे ही करने वाले मेंटेन, और यहाँ पे भी पूरे फ्लावर्स वगैरह सब लगेंगे। वाइज ईटीवी है यहाँ, ईटीवी आप रेंट पे ले सकते हो, 400 उसका चार्जेस करते हैं ये, और कैमल राइड के 200 है, और ये जो बैलून है हॉट एयर बैलून इसके गाइज है 1000 रुपीज़ पर हेड, जिसमें कि आपको ये ऊपर लेके जाएंगे 10-15 मिनट जो भी टाइमिंग होता है, वो एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है। और कई सारी एक्टिविटी और है इसमें, जैसे कि भाई ट्रैकिंग है, और कैंपिंग के लिए भी पीछे जगह है, और भाई मतलब कि जंगल में ऊपर लेके जाएंगे, वो सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल है पूरे। अगर आप चाहे वीकेंड के लिए भी यहाँ आ सकते हो, इतने एक्सप्लोर करने के लिए इतनी जगह है यहाँ, घूमते घूमते पागल हो जाओगे लेकिन जगह ख़त्म नहीं होंगी। और आप सोचोगे यार ऐसी लोकेशन गुड़गांव में भी है, तो भाई इसके लिए विज़िट करना एक बार और आके देखना क्या फन आता है, क्या होता है। और अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ का मेन्यू जो बना हुआ है, खाने में क्या क्या अवेलेबल है और एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है वो सब दिखाता हूँ। पहले बात करते हैं एक्टिविटीज़ यहाँ क्या क्या होती है। योगा है, जंगल सफारी, क्रिकेट ग्राउंड तो है ही बाकी भाई, और यहाँ पे अलग अलग तरह के पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे, एटीवी राइड, और ये सब चीज़ें गाइज यहाँ होने वाली है, आप देख लेना भाई क्या क्या है। और यहाँ का मेन्यू और दिखा देता हूँ खाने का क्या है। तो भाई ये है मेन्यू यहाँ का जो रेस्टोरेंट का है, कैफे काइट का, ये देख लीजिए। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है भाई,
और कुछ अपना पर्सनली वैसे बनवाना हो तो वो भी अवेलेबल है, सेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ क्रिकेट ग्राउंड है ना जो गाइस, यहाँ पे मतलब कि अपने इंडिया के कई क्रिकेटर्स आके प्रैक्टिस करते हैं इस वाले ग्राउंड पे, तो उन सब की वीडियो भी भाई नेक्स्ट तब पॉसिबल होगा, वो आएंगे तो उनों के साथ बनाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये है अपनी ईटीवी, और एक ईटीवी राइड लेते हैं, बाकी दिखाते हैं ड्रोन शॉट से, वो देखना छोटी भी है भाई बड़ी भी है, तो इनों में से शायद इस पे चलते हैं और अभी दिखाते हैं। तो गाइस तब तक टाइम है, आपको ये हट भी दिखा देता हूँ मैं अंदर से कैसी बनी हुई है और अंदर क्या क्या है इसमें। तो भाई ये देखो ये बेड है, थोड़ा ऐसे ही भाई कोई गेस्ट गए होंगे तो इसलिए अभी साफ़ सफाई नहीं हो रखी, बाकी दोनों तीनों तरफ भाई ये अपनी वो बना रखी है, ऊपर लैंप वगैरह लाइट ऑन नहीं है अभी, ऐसे नीचे बेड डाला हुआ है, टेबल चेयर वो भी मिलेंगे आपको। तो गाइस एक्टिविटी हो चुकी है पूरी स्टार्ट, बच्चे आ गए बहुत सारे ये देखो भाई, और इधर भाई अपना जिस लिए हम आए हैं बैलून होने वाला है रेडी, गाइस प्रिपरेशन होने लगी बैलून की। और इसकी हाइट भाई 90 फिट, और 200 फुट तक की हाइट पे जा सकता है क्योंकि उससे ऊपर सेफ नहीं है, तो इतना ही लेके जाते हैं। ये देखो अभी फैला रहे इसे, और अभी करेंगे भाई उड़ने की तैयारी। गाइस ऑलमोस्ट हो चुका है सीन सेट, बस अब स्टार्ट करने की देरी है भाई, कुछ कुछ शेप आ चुकी है अपने बैलून की, ये देखो भाई हवा भरी जा रही है। और भाई तुम्हारा भाई भी फुल सेट ड्रोन ड्रोन लेके, तो फुटेज आने वाली है एक नंबर। बाकी थोड़ी लाइट सनलाइट हो गई है कम, तो रात का टाइम हो गया भाई, देखते हैं फुटेज कैसी आएगी अपनी तरफ से, तो भाई बेस्ट ही आएगी। गाइज यहाँ से देखो कितना साइज है भाई, इसलिए पीछे आया हूँ ताकि पूरा साइज दिख पाए, अभी हाफ ओपन हुआ है, और पूरा ओपन होने के बाद तो भाई क्या ही खतरनाक चीज़ हो जाएगी। और भाई ये जो केवल आपको दिख रही होगी इस तरफ, ऐसे चारों कॉर्नर से भाई ये बांधी हुई है ताकि पता चले कि हवा से उड़ के कहीं और ही चला गया, इस वजह से, क्योंकि भाई कहीं वैसे नहीं घूम सकते, सिर्फ एक राइड देते हो ऊपर तक लेके जाएंगे और वहाँ से वापस। तो ये 200 फिट तक जाता है, इतनी हाइट सेट करी हुई है इन्होंने, तो अभी दिखाते हैं भाई आपको जब रेडी हो जाएगा तब। तो भाई तब तक ये रेडी हो रहा है, हम आ गए यहाँ कुछ खाने के लिए, और अभी तब तक ले लेते हैं भाई कोल्ड कॉफ़ी और उसके बाद चलेंगे वहाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से भी 10-15 मिनट और लगने वाले हैं। ये देखो भाई, लेकिन यार जगह ऑसम है गाइस, मस्ट विजिट। और जो एक्टिविटीज़ यहाँ है ना भाई, एक तो भाई बिल्कुल जंगल में, दिल्ली के शोर शार से, गुड़गांव के भीड़ भाड़ से सबसे दूर आके ऐसी जगह बैठेंगे, अलग ही सुकून मिलता है। अभी साइड में इस तरफ एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो यहाँ की लाइट वगैरह ऑन हो जाएंगी और भी अच्छा हो जाएगा भाई, पूरे में रोशनी हो जाएगी। तो भाई अब ये अपने आप होने वाला है सीधा, क्योंकि हवा इसमें बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट हो गई फुल। ये देखो भाई अब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा अपने आप, ये देखो ये होने वाला है भाई। और अरे वाह, तो भाई ये हो गया बैलून सीधा, ये देखो भाई, तो ये हो गया अभी बिल्कुल रेडी गाइस, वाह। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में, पहले बच्चों को ज़्यादा मन होता है तो बच्चे कर ले उसके बाद जाएंगे, तब तक वेट करते हैं, अपनी कॉफ़ी आ रही है, कॉफ़ी पी के और फिर जाएंगे। तो भाई फर्स्ट राइड टेस्ट कर रहे हैं और ये हो चुके रेडी भाई, एक्सपर्ट बंदे हैं बिल्कुल, ये देखो। तो भाई फर्स्ट राइड रेडी है, उस बच्चे का बर्थडे तो इसलिए पहले वो जा रहा है, और बनता भी है भाई बर्थडे पे कुछ स्पेशल होना चाहिए, हम लेंगे बाद में राइड, और अभी दिखाते हैं भाई कैसे उड़ता है भाई, बाकी अपनी बारी पे तो दिखाएंगे। और भाई मेरे को सच बताऊँ थोड़ा डर भी लग रहा है, कोई पक्का नहीं है कि भाई मैं करूँ या ना करूँ, बाकी ड्रोन शॉट ज़रूर ले दूँगा। ये देखो भाई टाइम लगता है भाई, अभी थोड़ा उड़ने वाला है बस, ऑलमोस्ट हो गया उड़ना स्टार्ट हो गया भाई। तो भाई ये हो गया उड़ना स्टार्ट, और ये देखो नीचे से ऊपर जाने लगा भाई, अब जाएगा ऊपर, वैसे चारों तरफ से बांधा हुआ है ताकि उड़ के कहीं और ना चला जाए। तो भाई ये है इसकी मैक्सिमम हाइट, अभी थोड़ा बहुत और जाएगा, ये देखो। तो भाई आ चुका है अपना पिज़्ज़ा, और भाई पिज़्ज़ा खा लेते हैं और उसके बाद चलेंगे भाई सीधा वहाँ। तो भाई ये है लास्ट राइड, इसके बाद है अपनी बारी, और ये देखो भाई ऊपर तक मतलब कि दिख भी नहीं रहा इतना ऊपर है, और अभी ये जा रहे हैं। तो गाइज अभी चल रहे हैं और दिखाते हैं भाई, बहुत देर वेट कर लिया, सब हो गए फ्री, तो अब अपनी बारी है, अभी चलते हैं। तो गाइज अभी आ चुके हैं अंदर, और भाई ड्रोन शॉट भी अपने, ड्रोन भी हो गया रेडी, ये देखो।
तो गाइज हम आ चुके हैं इस हाइट पे और भाई हमें सेफ उतारने वाले भाई है। सेफ उतारोगे नीचे? जी बिल्कुल सेफ भाई। हाइट है भाई बहुत ज्यादा और डर लग रहा है। ऊपर ये चल रही है अपनी फायर पड़ी है। और भाई लोकेशन देखो, नीचे देखो भाई कितनी हाइट पर है। तो गाइज ये मजा है भाई चारों तरफ का, एक बार दिखा देता हूँ। एक तरफ लाइट, दूसरी तरफ भाई पूरा जंगल बढ़िया। और हमारी हालत कुछ ऐसी है, फटी पड़ी, बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, फटी पड़ी है। मैं गलती तो आ गो भाई। ओ गाइस फुल खतरनाक अल्टीमेट। तो गाइस अपनी राइड हो गई भाई, डर लगा सच बोलूं तो। और वो ड्रोन शॉट चल रही है और भाई ड्रोन को घेर लिया देखो, यहाँ मुश्किल से जान बच रहा है अपना। तो अपना सब कहोगे भाई जाएंगे सारे, तो भाई से पूछते कैसा लगा, कैसा लगा भाई? भाई पता जैसे ऊपर गए और नीचे आ गए। अरे भाई अल्टीमेट था यार, लेकिन वैसे मजेदार था, मजा आया भाई। अभी देखना जब लाइट जलेगी ना, ये देखो बिल्कुल नीचे हूँ मैं इसके, बहुत ही खतरनाक सीन है भाई। तो गाइज ये है यहाँ पे कैरावैन, जिसमें कि अंदर पूरा भाई ये बेडरूम वगैरह, वॉशरूम वगैरह हर एक चीज़ बनी हुई है, किचन वगैरह। तो भाई ये यहाँ पर अगर आपको सिर्फ एक नाइट के लिए रेंट पे चाहिए तो करीब मतलब 3-4,000 रुपये ऐसे कुछ है। उसमें बंदे भी 4-5 बंदे कुछ होंगे और 3 कैरावैन इनों के पास। या फिर एक चीज़ और है, अगर यहाँ से आप इसे कहीं बाहर लेके जाना चाहते हो, बाहर से मतलब कहीं भी जयपुर चंडीगढ़ किसी भी तरफ, तो उसके लिए भी यहाँ पे रेंट पे अवेलेबल है। उसके लिए गाइज मैं कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूँगा, उस पर आप बात कर सकते हो। इस कैफ़े है अपना कैफ़े काइट और लोकेशन है इसकी विलेज बैरमपुर पड़ता है, सेक्टर 62 और नियर बाय भाई अपना आयरो ग्रैंड आर्च है, उसके आसपास ये पड़ता है। बाकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर पॉसिबल हुई तो वो भी भाई मैं वीडियो में डाल दूंगा अभी नीचे, या फिर कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह वो आपसे शेयर कर दूंगा। तो गाइज अभी आपको हॉट एयर बैलून भी करके दिखा दिया और भाई ये जगह भी दिखा दी, बहुत प्यारी लोकेशन है, यहाँ भी लाइट ऑन हो चुकी है। तो गाइज अभी हम भी चलते हैं और इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। लव यू ऑल, टेक केयर। बट उससे पहले सुन लो भाई, सारे भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो। और तुम चाहते हो भाई तुम्हारा भाई भी यूट्यूबर बन जाए तो वीडियो को शेयर करा करो और थोड़ा प्यार दे दो भाई, प्यार दिखा दो और वीडियो को फैला दो। बाकी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया जगह आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।